अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बुरी आफतों बुरी बलाओं से महफूज रखे। जी तो साथियों, आज फिर मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी काटू मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये तुर्किश स्टाइल की है। मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आएगी, और अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो और डिलीशियस बनेंगी। जी मैंने 750 ग्राम मटन लिया और 500 ग्राम प्याज और तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन है मेरे पास। जी 1 कप मैंने तेल ऐड किया और मटन को अच्छे से फ्राई करते हैं। फिर इन्हें थोड़ा सा पानी ऐड करके मटन में इसे प्रेशर कुक कर लेंगे ताकि मटन गल जाए। जी हाफ लहसुन मैंने इस तरह साबुत की फ्राई करना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हम साइड पे कर लेते हैं। जो प्याज मैंने स्लाइस करके रखा है उसे भी फ्राई करते हैं। इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। साथ मटन भी प्रेशर कुक हो रहा है। और ये देखें, प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें जाएगा जी 500 ग्राम टमाटर, जी प्याज भी 500 ग्राम है, टमाटर भी 500 ग्राम है। ये थोड़ा अलग से फ्लेवर किया है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको रेसिपी की समझ आएगी। जी साथ मैंने टमाटर ऐड किए कर दिए, टमाटर को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ जो मैंने लहसुन साबुत लहसुन फ्राई करके रखा था वो ऐड किया। अब इसका बनेगा अच्छा सा पेस्ट। साथ से 8 सब्ज मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करें। और साथ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की, 1 टेबलस्पून मैंने कुशक धनिया मोटा कुटा हुआ। और ये देखें, उस सब चीज़ों की मैंने पेस्ट तैयार कर ली। अब ये पेस्ट जाएगी मटन में। मटन को करते हैं फ्राई। मटन का पानी खुश्क हो चुका है और अच्छे से गल चुका है। ये और ये जो जग में आपको बचा हुआ नज़र आ रहा है पेस्ट, ये वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो मैंने हाफ कच्चा लहसुन बचा के रखा था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पेस्ट रेडी कर लूँगी। इसी से बनेगा ज़बरदस्त सा फ्लेवर काटू मटन कढ़ाई का। ये तुर्किश स्टाइल की है। इसका टेस्ट जायका बिल्कुल हटके है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी दूसरा पेस्ट भी मैंने रेडी करके ऐड कर दिया। नहीं जी, पेस्ट अभी ऐड नहीं किया, बल्कि ये पेस्ट मैं अभी कुछ देर में ऐड करती हूँ। देखें तेल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है। ये जो पेस्ट बाद में मैंने बनाया है लहसुन डाल के, ये भी ऐड करते हैं। अब अच्छे से इसे भूनते हैं। इतना भूनेंगे कि बिल्कुल ग्रेवी का पानी खुश्क हो जाए इस तरह से। और ये देखिए ज़बरदस्त काडू मटन कढ़ाई रेडी होगी। अब इसमें जाएगी एक शिमला मिर्च। ज़्यादा शिमला मिर्च ऐड नहीं करनी, बस फ्लेवर के लिए है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।